80 के दशक में कई एक्ट्रेसेस रहीं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी मनमोहक अदाओं और खूबसूरती के जरिए लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। इनमें से ही एक एक्ट्रेस हैं लीना चंदारवरकर। लीना चंदारवरकर का जन्म मुंबई में एक आर्मी परिवार में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले लीना विज्ञापनों में काम करती थी। लीना ने अपना फिल्मी करियर मन का मित फिल्म से शुरू किया था। इस फिल्म को सुनील दत्त ने प्रोड्यूस किया था। इसके लिए सुनील दत्त की पत्नी नरगिस ने लीना को एक एक्ट्रेस के रूप में तैयार किया था। लीना ने महबूब की मेहंदी, हमजोली, प्रीतम, रखवाला जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। गम का फसाना बन गया अच्छा। लीना बहुत ही रूढ़िवादी सोच की थी और यही वजह थी कि उन्होंने फिल्मों में ना तो कभी बिकनी पहनी और ना ही कोई फोटोशूट करवाया। 1975 में लीना की शादी राजनीतिक फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ बंडा डोकर से हुई थी, लेकिन उनके पति को गलती से गोली लग गई थी। कुछ समय तक इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। महज 25 साल की उम्र में ही लीना चंदारवरकर विधवा हो गई। विधवा होने के बाद तो जैसे लीना टूटकर ही बिखर गई। उन्होंने अपने करीबियों से मिलना जुलना बंद कर दिया। लीना की ऐसी हालत देख के उनके पिता उन्हें घर पर ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। एक फिल्म के सेट पर ही उनकी मुलाकात किशोर कुमार से हुई थी। दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया और दोनों की प्रेम कहानी दोस्ती से शुरू होकर शादी पे खत्म हुई। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए ये गाने को किशोर कुमार ने खास करके लीना के लिए ही गाया था। लीना के पिता इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि एक तो किशोर कुमार उम्र में लीना से 20 साल बड़े थे और दूसरा उनकी पहले से ही 3 शादियाँ हो चुकी थी। उन्होंने अपने पिता के विरोध में जाकर किशोर कुमार से शादी कर ली। शादी के कुछ सालों बाद किशोर कुमार भी चल बसे और लीना एक बार फिर से विधवा हो गई। उस वक्त उनकी उम्र 37 साल की थी। लीना और किशोर कुमार का एक बेटा भी है, सुमित। लीना अब अपने बेटे सुमित, अमित और उनकी पत्नी के साथ रहती हैं और ग्लैमर की दुनिया से दूर हैं। रिपब्लिक परिवार की ओर से लीना को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करते समय घंटी बजाना ना भूलें।